वहां की भी तस्वीर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा भयावह हो चुकी है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से जो कुत्ते हैं वो लाशों को खा रहे हैं, नोच रहे हैं। गंगा किनारे लगी लाशों की ढेर की ये तस्वीरें जो है वह बक्सर जिले के चौसा श्मशान घाट की बताई जा रही है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आवारा कुत्ते लाशों को नोच नोच कर खा रहे हैं। इस घटना ने सबको अंदर से झकझोर कर रख दिया है। इलाके के लोग काफी डरे सहमे से हैं। जानकारी मिली है कि बक्सर में हालात ऐसे बन गए हैं कि शवदाह गृह में अब जगह नहीं बची है और चरित्र वन में श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। ऐसे में ये तस्वीर जो आप लगातार देख रहे हैं वह बेहद भयावह है। स्थिति कितनी भयावह है इससे समझी जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चौसा श्मशान घाट पर आने वाले अधिकतर शवों को गंगा में फेंक दिया जा रहा है, जो पानी के बहाव में से गंगा के किनारे ही जमा हो रही है। इन शवों को गिद्ध, कौवे और कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चरित्रवन और चौसा श्मशान घाट पर दिन रात चिताएं जल रही है। जो लाशें मिली हैं उनमें से कई लाशें अधजली हैं, कई लाशें पानी में फूल गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये लाशें यूपी से गंगा के रास्ते बक्सर आई है। लेकिन तस्वीर आप जो देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह भयावह तस्वीर सामने आई है बक्सर से। एक तरफ लगातार जिस तरीके से कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, स्थिति बिगड़ती जा रही है, वहीं अब श्मशानों की तस्वीर भी आपने देखी होगी। बीते कुछ दिनों से लगातार हमने आपको पटना या फिर बिहार के अन्य हिस्सों की तस्वीर हमने दिखाई थी। देश भर में ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां पर श्मशान में जो लाशों की संख्या वह काफी ज्यादा बढ़ गई है और ऐसे में अब गंगा नदी में लाशें बहाई जा रही है। और यह तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, गंगा नदी में सैकड़ों की संख्या में लाशें तैरती हुई नजर आ रही है और बक्सर में जो आवारा कुत्ते हैं वो इन लाशों को नोच कर खा रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर, इस जो वीडियो सामने आया इसको लेकर आगे क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती है, इस पर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कहा जाता है, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस भी आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।